सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। आज हम आपको लेकर आए हैं फिजिकल कॉलेज, और ये कश्मीर के अंदर एक ही कॉलेज है, ये वाला कॉलेज का है गांधरबल के अंदर। इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये है इस कॉलेज का क्रिकेट स्टेडियम, जहाँ पे आप देखेंगे तीन चार आपको जहाँ पे टेनिस कोर्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, वॉलीबॉल कोर्ट्स देखने को मिलेंगे आपको। तो जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फिजिकल एजुकेशन के लिए, स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी बढ़िया है। एंड कॉलेज जो है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा उस साइड थोड़ा दिखाएं, तो ये वाला जो कॉलेज है इसके अंदर भी हम आपको विज़िट करके दिखाएंगे कि ये वाला जो कॉलेज है अपने आप में हमें देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। एंड खासकर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर लाजवाब है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो चीज़ हमें देखने को मिली, जहाँ पे इसकी जो लोकेशन है, अगर पीछे मेरा कैमरामैन आपको दिखा पाए, तो जहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्रीमियर लोकेशन पे ये वाला जो कॉलेज था, इसके पीछे आप देखेंगे काफ़ी शांति है, ठीक है, काफ़ी काम एटमॉस्फेयर है जहाँ पे देखने को मिल रहा। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा स्लो कैमरा को घुमाए, ताकि जो हमारे ऑडियंस है वो अच्छे से देख पाए कि किस तरह से ये वाला जो यहाँ पे कॉलेज है, कितना अच्छा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप चाहते हैं कोई फिजिकल एजुकेशन की बीएड वगैरह की डिग्री करनी है, तो वेल ये कॉलेज प्रेफरेबल है, जहाँ पे आप आ सकते हैं। गांधरबल के अंदर है, जहाँ पे साइड में मैंने देखा तो गर्ल्स के लिए हॉस्टल भी अवेलेबल है। एंड वेल आई हैव टू चेक वेदर बॉयज़ के लिए भी जहाँ पे हॉस्टल है कि नहीं है, नहीं तो जहाँ पे आउटसाइड के एरिया के अंदर आपको जो है बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड वेल चलिए, जहाँ का कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन जहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। एंड चलते हैं मेरे साथ, एंड जहाँ पे स्पोर्ट्स का स्टेडियम जो है, पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं, उसके बाद हम बिल्डिंग के अंदर जाएंगे, एंड वहाँ पे अंदर क्या है वो चीज़ हम देखेंगे। तो कैमरा मैन कमान, तो जहाँ पे साइड अगर आप देख पाएँ तो फुटबॉल अगर खेलने के लिए जो है स्पेशली इन्होंने यहाँ पे बना रखा है। एंड वहाँ पे आप देखेंगे टर्फ भी बनी हुई है, पिच वगैरह जिसको हम कहते हैं, जिसको क्रिकेट खेला जाता है, तो बहुत तो बढ़िया है। इस साइड में आप देखेंगे ये वाले जो है साइड में आपको सीटिंग अरेंजमेंट्स आपको देखने को मिलती है। जो आदमी हमारी होगी सक्सेस होकर वो आएंगे अपने मैचेस को इन्जॉय करेंगे। एंड ये वाला जो है, ये वाला आप अगर बरसात के मौसम हो तो वेल आपको जहाँ पे बैठना होगा, जहाँ पे भी इन्होंने ऊपर जो है काफ़ी हाँ अच्छे से जो है उसको बना सजा के रखा हुआ है। आउट से इट्स इंटरेस्टिंग। एंड थोड़ा यहाँ पे देखने की हम कोशिश करेंगे क्या है क्या नहीं है। कॉमन एंड अगर थोड़ा सा मैं जहाँ पे जैसा मैं देख पा रहा हूँ, ये वाला जो स्टेडियम है इसके पीछे भी जगह है, ऑलरेडी आप देखेंगे इसके पीछे भी काफ़ी बढ़िया जगह है। तो इस वक्त जो फ्लैग्स वगैरह हैं उस साइड में आप देख रहे होंगे, बहुत ही लाजवाब किस्म का मज़ा दे रहे हैं, क्या ही कहने यार, जस्ट अमेजिंग एंड। यहाँ पे चलिए सीटिंग अरेंजमेंट की तरफ आते हैं, ज़रा कैमरामैन सहयोगी आएंगे मेरे साथ, तो थोड़ा सीटिंग का देखेंगे उन्होंने क्या सिस्टम बना रखा है। एक्चुअल में ये ऑटो फोल्डिंग है, राइट, जब इससे बंदा उठेगा तो ऐसा नहीं है कि कभी स्पेक्टेटर्स है ऐसे बैठा हुआ है, हे हे करता है, बैठेगा नीचे तो नीचे जाएगा, बी केयरफुल, ठीक है। हाँ, एंजॉय भी करना है, एक्साइटेड हो के ऐसा नहीं कि सीट भूल जानी है, ऐसी जगह पे आपको काफ़ी केयरफुल रहना होगा। वैसे अगर मैं देखूँ बैठ के मज़ा तो काफ़ी आ रहा है, बट लेकिन इसको हमेशा बैक बेंच पर के बैठना चाहिए पीछे। एनीवे पीछे ज़रा सीटिंग्स की जो अरेंजमेंट्स है, कैपेसिटी जहाँ पे उतनी ज़्यादा है नहीं, इस स्पेशली ये वाली जो है थोड़ा वीआईपी चेयर सिस्टम लग रहा है। इसके अलावा जो बाकी आप सीमेंटेड चेयर्स वगैरह आप देखेंगे तो वो तो इसके चारों ओर थे, वो काफ़ी बढ़िया लगे। एंड जहाँ पे सामने एक स्मार्ट बोर्ड भी लगा हुआ है जो आपको डिस्प्ले करेगा आपका स्कोर वगैरह। एंड जहाँ नीचे आप देखेंगे, हाँ जहाँ नीचे भी दिखा दीजिए, तो यहाँ पे हम नीचे थोड़ा अंदर जा के देखेंगे अंदर क्या है। अच्छा, जहाँ पे कुछ काम चल रहा है, स्पोर्ट्स का स्टेडियम है। एंड वहाँ पे आप देखें एक और कोर्ट आपको देखने को मिलेगा। सो चलते हैं वापस। एंड
तो वेल वापस हम स्टेडियम में आ चुके हैं एंड इसके बाद हम जाने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं जहाँ का कॉलेज, एंड फॉर दैट हमें वहाँ पे मूव करना होगा। तो अगर इस साइड में आप देखेंगे, ये वाला आपको टेनिस कोर्ट देखने को मिलेंगे दो, ठीक है, सिंथेटिक इसके नीचे बिठा रखा है इन्होंने, बिछाया हुआ है। ये जो ग्रीनरी आपको दिख रही है ये एक्चुअल में सिंथेटिक मैप है जो ग्रीन लुक आपको दे रहा है इस वक्त यहाँ पे, एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं इसके अलावा, यहाँ पे बाहर सीटें वगैरह लगी हुई हैं, एंड जहाँ पे आप देखेंगे पीछे जो है इसको फ्लैग्स वगैरह इन्होंने हम जो हैं जिनके ऊपर कॉलेज का लोगो है लगे हुए हैं वहाँ पे आप देखें तो ये आपका जो है एंट्री गेट है, एंड इसके सामने ही आगे आपको यहाँ पे मिलती है आपकी ब्यूटीफुल कॉलेज की मेन बिल्डिंग। तो यार मैं थोड़ा सा वापस आया हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ जहाँ पे कॉलेज फ्रंट साइड से ये वाला ऐसा ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग लुक ये दे रही है। तो यहाँ पे यार इनका पार्किंग सिस्टम है, एंड स्टाफ के लिए इन्होंने, तो चलिए अगर आप पीछे देख पाएँ तो वो आपको गर्ल्स हॉस्टल देखने को मिलेगी, एंड पीछे इनकी बसेस वगैरह लगी हुई हैं जहाँ पे ये एक नया जो है इन्होंने कोर्ट बनाया है, आई डोंट थिंक किस गेम के लिए, बट इस साइड में आप देखेंगे ये वाला जो है आपको कोर्ट देखने को मिलेगा बास्केटबॉल का, वहाँ पे भी बास्केटबॉल का है, सीडिंग्स की अरेंजमेंट है, एंड काफ़ी बड़ा एरिया है जो हमने जो है इस साइड से इसको देखा। एनीवे अब हम अंदर एंटर होते हैं एंड आपको अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाते हैं। तो वेल यार ये है इसका अंदर से ऐसा दिखता है कॉलेज, एंड राइट साइड में आप देखें आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेफ्ट साइड में आप देखें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड थोड़ा अगर मैं टर्न करूं वापस एंड ऐसे बाहर का लुक देखने को मिलता है, तो इस साइड से ऐसे देखने को मिलता है। अब हम आपको ले चलते हैं आगे थोड़ा दिखाएंगे, एंड जहाँ पे आपको स्मार्ट क्लासरूम में, वेल यहाँ से बाहर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट एनीवे लेट मी गो बैक, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का कॉन्फ्रेंस हॉल। चलिए तो हम वापस आ गए, मैं कैमरे को बंद नहीं कर रहा, जस्ट तो ये है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, एंड ये है आपके वॉशरूम आप देख सकते हो, एंड वेल आई एम एंटरिंग इन कॉन्फ्रेंस रूम। और अपना ज्ञान और हमने स्वराज में जनरल प्रोफाइल अपडेट कर ली और हम स्वराज में जा रहे हैं, एवरी मच हियर प्रेजेंट कि आप थोड़ी साइलेंस बने, तो आप थोड़ी देर के ध्यान दे रहे जनरल प्रोफाइल अपडेट कर ली, इस पर बहुत सारे भाईजान कह रहे थे कि इसको बात करने की जरूरत नहीं थी, बात करने की जरूरत इसलिए है कि हमें ऊपर से बताया जाता है मिनिस्ट्री सानंद के तहत पंचायत कमीशन वकील आदमी ठीक है उसे दिखाई नहीं देता पोर्टल पे, ठीक है सर,
पंचायत तभी दिख जाएगी जब हमने यहाँ पे कुछ अपडेट किया होगा। जनरल प्रोफाइल को भी 6 महीने में हमें अपडेट करनी है। हम वैसे एडमिन लॉग में जा रहे हैं, जनरल प्रोफाइल हमने अपडेट कर ली। लॉगिन करने के बाद जीएसएल के लिए हम सबमिट कर